वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एचके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईएसटी एंड इंटरनेशनल रोमिंग का डिफरेंस। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जिस वजह से वो गलती से आईएसटी के बजाय इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीद लेते हैं और जिसकी वजह से जो है उन्हें फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहे आईएसटी और इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में और डिफरेंस के बारे में। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये हर सर्विस प्रोवाइडर ये फॉर सर्विस ये फैसिलिटी देता है अपने यूज़र को। यस, जो भी है, वोडाफोन, जियो या एयरटेल या आइडिया, कोई भी हो सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर जो है फैसिलिटी देते हैं आईएसटी और इंटरनेशनल रोमिंग की। बट ये है कि सबके प्लान, सबके पैक में बहुत से डिफरेंस है। आप चाहे तो जाके ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जानना है जियो का तो आप विजिट कीजिए jio.com पे और आप सर्च कीजिए और आप देखें, वहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आपको जानना है इंटरनेशनल रोमिंग और जैसे कि आईएसटी पैक के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी जियो का, स्पेशली जियो का मैंने बनाया है वीडियो जो आपको आई बटन पे दिख जाएगा, तो वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बताया है आईएसटी और इंटरनेशनल रोमिंग के पैक फ्रॉम jio.com उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब हम ये समझते हैं कि आईएसटी और जियो इंटरनेशनल रोमिंग का डिफरेंस क्या है। तो आईएसटी मतलब होता है अगर आपको इंडिया से अब्रॉड में कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक कॉल फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, दैट इज़ कॉल्ड आईएसटी पैक। वह इन इंटरनेशनल रोमिंग में, जहाँ पे इसका मतलब होता है, इंटरनेशनल रोमिंग का मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप खुद अब्रॉड जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लंदन जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, या आप जा रहे हैं दुबई, या आप यूएसए, कोई भी कंट्री में आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वहाँ पे जाना चाह जा रहे फॉर मीटिंग पर्पस, कोई भी पर्पस के हिसाब से आप जा रहे और आपको जो वहां से इंडिया में कॉल करना है, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। चलो एक एग्जांपल के साथ समझ जाते हैं। अब एक रमेश है और एक सुरेश है। रमेश जैसे कि बाहर से आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रमेश इंडिया में ही रहता है और उसका दोस्त सुरेश रहता है दुबई में। अब रमेश चाहता है कि मैं अपने दोस्त सुरेश को कॉल करूं, तो अगर वो नॉर्मल कॉल करता है ऐसे ही, मतलब जैसे उसने कुछ 50 या 100 रुपये का टॉपअप कर वैसे कि करा लिया उसने और डायरेक्ट कॉल करा, तो उसका चार्जेस बहुत कटेगा, उसका जो है पूरा बैलेंस शायद कट सकता है। तो उसके लिए उसे आईएसटी पैक खरीदना होता है। तो वो जा सकता है जैसे कि कोई भी रिटेलर के पास और वो सर्विस जो भी है, मतलब आईएसटी पैक की सर्विस ले सकता है और वो पैक कर जैसे कि खरीद के फिर कॉल कर सकता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अब जो ये सुरेश है, ये जा रहा है मीटिंग के लिए, दुबई जा रहा है फॉर 3 डेज और 4-5 डेज, और उसे इंडिया में कॉल करना है, तो उसे इंडिया में ही रह के इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदना होगा। यानी जो है रमेश को, जो अब्रॉड, जो सुरेश है वो अब्रॉड जा रहा है, उसे कॉल करना पड़ेगा, या वो रिटेलर के पास जाएगा, वो कहेगा मुझे इंटरनेशनल रोमिंग करा दीजिए, मेरे को बाहर जाना है और मुझे बाहर से इंडिया में कॉल करना है, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। तो होपफुली ये आप समझ गए होंगे। एक और बात ब्रीफ में छोटे से आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। आईएसटी पैक होता है अगर आपको इंडिया में ही रह के, आपको सऊदी, दुबई या आपको कोई भी कंट्री में बाहर की, यूएसए, यूके, आपको वहाँ पे कॉल करना है, उसे कहते हैं आईएसटी पैक फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। और इंटरनेशनल रोमिंग में अब्रॉड टू इंडिया, यानी आप अब्रॉड खुद जा रहे हैं कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ों काम के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए जा रहे हैं, मोस्टली जैसे कि लोग जाते हैं जैसे कि हज के लिए, तो वो जा रहे हैं सऊदी अरब और उनको कॉल करना है इंडिया में, तो उनको लेना होगा इंटरनेशनल रोमिंग। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया हूँ आईएसटी और इंटरनेशनल रोमिंग का। अगर आपको जानना है jio.com का क्या उसका पैक है, कौन सा अच्छा है, तो आप जाइए, आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में अपने बात दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक।